दर्शन करो जी। गुरु प्यारे बलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। यह श्री साहिब मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का मीरी दा है। यह श्री साहिब सतगुरां दा पीरी दा है। मेरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मेरी पीरी दे दो श्री साहब धारण करके श्री अकाल तख्त साहब जी की सिरजना कीते अते संगतां नूं शस्त्रधारी होण दे हुक्मनामे जारी कीते। यह श्री साहिब दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का है। यह श्री साहिब गुरु घर के निष्काम सेवक बाबा जी बाबा बुढ़ा जी साहब जी का है। बाबा जी ने पहली पातशाही तो लैके छेवीं पातशाही तक गुरु घर की बेअंत सेवा अते फुले दर्शन दीदार कीते। यह श्री साहिब भाई जेठा जी बहादुर का है। भाई साहिब जी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की पावन हजूरी अंदर चौर साहब की सेवा करया करते सन। योध्या बहुत ही वड्डे योधे सन। यह श्री साहिब भाई बिधी चंद जी बहादुर का है। भाई साहब जी ने साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का हुक्म मान के मुगलिया हुकूमत दे हुंदिया होया लाहौर दे शाही किले विचों ओह दो घोड़े वापस लियांदे जिन्हां दे नाम दिलबाग ते गुलबाग सन। पट्टी दे पठाणा कोलों ओह दसाले वापस लियांदे जो गुरु घर आ रहीआं संगतां दे कोलों रस्ते विचों खोए गए सन। भाई साहिब जी दीआं होर वी अनेकां बहादुरियां हन। यह श्री साहिब भाई करम सिंह जी शहीद है जो कि बाबा दीप सिंह के जथे का साथ दिंदिया शहीद हो गए सन। यह श्री साहिब भाई उदय सिंह जी बहादुर का है जिन्होंने दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का हुक्म मान के सरसा नदी के किनारे ते बहुत भारी युद्ध किया। बहुत सारे जालमां मौत दे घाट उतारिया आप उथे शहीदी प्राप्त कीते। संगत जी यह दो तारा खंड बाबा दीप सिंह जी शहीद का है। बाबा जी का शहीदी स्थान चाटी मेरे चौंक दे नजदीक बनिया होया है। यह सुनहरी दस्ते वाला दो धारा खंडा बाबा नौद सिंह जी शहीद का है। बाबा जी का शहीदी स्थान तरन तारन वाली सड़क के पिंड चब्बे के पास बनिया होया है। बाबा जी बाबा दीप सिंह दे जथे दे मीत जथेदार होया करदे सन। संगत जी यह दो धारा खंडा बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद का है। बाबा जी का शहीदी स्थान श्री अकाल तख्त साहिब जी दे पिछले पासे बनिया होया है। बाबा जी ने अपने नाल कुछ कुछ सिंह समेत अहमद शाह अब्दाले के
30,000 फौज का डट के मुकाबला किया। बहुत सारे जालमां मौत दे घाट उतारिया, आप इत्थे शहीदी प्राप्त कीते। यह दो धारा खंडा जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी शहीद दा है। संगत जी, यह चेता भी जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी शहीद दा है। यह चेता जिसका दूसरा नाम खड़ग है, भाई बचित्र सिंह जी बहादुर का है। भाई साहब जी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का हुक्म मान के उस मस्त हाथी का डट के मुकाबला किया, जो कि भाई धार के पहाड़ी राजिया वालों श्री आनंदपुर साहब जी विखे किला धोगढ़ का दरवाजा तोड़ने वास्ते छड़िया गया से। जदों भाई साहिब उस मस्त हाथी मैदाने जंग भजा के वापस आए, तो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने यह तेगा भाई साहब जी को इनाम वजो दिता से। इहदा वजन 4 शेर पक्का है। यह गुरजा मेरी पीढ़ी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का है। संगत जी, ये सारिया ही धंतां का रल के बनिया होया है। इहदा वजन 16 शेर कच्चा है। यह सुनहरी दंते वाला सफा जंग मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का है। संगत जी, इहदे विच इह एक बहुत ही तेज तिखा मार करने वाला गुप्त शस्त्र है। गुप्त रहने कारण इहदा नाम गुप्ता भी है। इह शस्त्र दा नाम कटार है। मीरी पीरी दे मालक सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का है। संगत जी, इस शस्त्र की वरतों उस वेले की जाती है जदों दुश्मन नेड़े आ गया होवे या शेर का शिकार खेडना होवे। मीरी पीरी दे मालक सतगुरु इहदे नाल शेर का शिकार खेडिया करदे सन। यह कटार दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का है। संगत जी, यह कटार दसम पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वड्डे साहबजादे साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी बहादुर का है। यह कटार उन्होंने तो छोटे साहबजादे साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी बहादुर का है। संगत जी, इन्हां दोनों ही सूरबीर योधिया ने छोटी उम्र के होंदिया पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी पासों आग्या लैके चमकौर साहब के मैदान जंग अंदर बहुत भारी युद्ध किया। बहुत सारे जानवां नूं मौत दे घाट उतारिया, आप उत्थे शहीदी प्राप्त कीते। कटार जथेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी शहीद दा है। संगत जी, यह छोटी कृपान मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दी है। सतगुरु जी इस नूं हमेशा अपने कमर कसे धारण करके रखिया करदे सन। संगत जी, इस शस्त्र का नाम पेशकब्ज है। मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का है। इस शस्त्र की वरतों उस वेले की जाती है
ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਪੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਜੋਗ ਜੋ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ ਚਿੱਠਾ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਸਤੌਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਤੌਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਸਤੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੁਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਫੱਫੜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।